ये देखो भाई, पता नहीं कौन सा फेरा है, मुझे पता नहीं है, जानकारी नहीं है, मैं अंदर था ना। तो गाइस ये देख सकते हो हमारे भाई के सॉक्स फेरा रहा है और हम तो हो गए तैयार, हम बढ़िया तैयार हो चुके। देख सकते हो आप, ये नया लुक है मेरा, लग रहा है ना सही। और इधर से क्या इसको क्या मुझे मुझे फिराना है। अब ये क्या मेरा बड्डा भाई है, बड्डा। तो ये हो चुके हैं दूल्हे राजा रेडी। अच्छा लग रहा है यार लुक, तो मैं कैसा लग रहा हूँ और तू कैसा लग रहा है? जम रहा है यार तू, जम रहा है। ये देख लो, हो गई एंट्री, चलो जान दो। तो गाइस जी इधर तो गाना चल रहा है, बाकी क्या है कि अपन अभी रेडी हो चुके हैं, बढ़िया देख लो। अभी मैंने अंदर उसके साथ था, किसके साथ? तो अपने दूल्हे राजा के साथ। तो अभी कुर्ते पजामे में बढ़िया रेडी हो चुके हैं, अच्छे लग रहे हैं, अब बता देना कमेंट में। तो क्या है कि अब जाने का टाइम हो चुका है भाई, इनने कम से कम 4 बजे उठा दिया था मुझे, तो अभी कितने 8 बज गए हैं, 8 बजे अभी बिल्कुल काम से निपटे हैं। तो अभी थोड़ा हो चुके हैं रेडी और चलते हैं। और ये कुछ बसों लोग हैं ना, ये देख लो चेहरे छुपा छुपा के जा रहा है, ये बसों लोग। तो अपनी फ्रॉन्क्स को रेडी कर दिया, मैं अभी बताता हूँ रात को कैसी क्या सजाइए। इधर दूल्हे राजा भी अंदर ही हैं अभी, बाकी अपन तो हो चुके हैं रेडी। कैसा लग रहा हूँ कमेंट में बता देना यार भाई। ये देखो भाई, रात को हमने हमारे हिसाब से सजा दी भाई, जितना मेरे को आता था। ये अंकित राठौर ब्लॉक को भी सजा दिए, देख लो भाई जितना आता था उतना हर गेट पे। कैसे लग रही होश, कितनी जम रही यार अभी। ये हिंदू, और ये वाला गेट बल्लू, ये वाला गेट भूल गया है तो रात को वो तो कर देंगे, ये वाला। चलो ठीक है गाइस, इसको और सजाना है इस गेट को, बाकी सज चुकी अपनी कार पूरी लुकिंग में। हाँ सही लग रही हूँ लाली लाली यार, ये तो मत लगा तो। लाली लग रही है तो गाले में थोड़ा बहुत गीत याद है तो गाए। गाइस अभी हम आए मंदिर में, यहाँ पर धोख करना था सुनील भाई को, यहाँ पर धोख करने के लिए आए भी फिलहाल। हनुमान दादा का मंदिर है, जय हनुमान दादा, जय श्री राम। तो गाइस अभी गाड़ी में आ चुके हैं, उधर पानान बनवाया था, इधर दूल्हे राजा आ चुके हैं अपने भाई। ठीक है गाइस, अभी अपन जा रहे हैं मंदिर। तो गाइस फिलहाल अभी हम रास्ते में चल रहे हैं क्योंकि हमारे भाई साहब को लगी थी, समझ गए। लेकिन यार तुम खूबसूरत तो लग रही हो भाई, मेरा भाई हे लोंडे में दम यार है थोड़ा, ये का बचपन में थोड़ा अलग लगता था, अब क्या थोड़ा लगने लगा है कूल। और भाई वो खड़ी है अपनी उधर कार, उधर थोड़ा रुके हैं, मैंने कहा थोड़ा सा इधर सुसु फुसु कर यहाँ फिर जिसके बाद। लेकिन यार कुर्ते में मैं जम रहा हूँ कि नहीं सुनील भाई, ये बताओ। नंबर वन ये हम तो नंबर वन भाई, मजा आने वाले हैं खूब, आ चुके गाड़ी के करीब, बहुत मजा आने वाले हैं, देखते हैं और आगे क्या क्या होता है। इस समय अभी क्या है, अपन सुजालपुर पहुंच चुके हैं, ये देख लो इधर इधर हमारी मनमन भाई। हेलो गाइस, कैसा क्या हाल? सब बढ़िया। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं इधर सुजालपुर, अभी ये जो दूल्हे राजा है ना, जो मेरा भाई है, इनके पिताजी रहते हैं यहाँ पर, इन्हीं की दुकान पे रुके हुए हैं, इधर ही दुकान वगैरह है, इधर ही एक ही उनकी दुकान है। कौन सी है? अरे तुम कोई चाय पी रहे हो? तो यहाँ पर रुके हूँ चाय नाश्ते के लिए, ये देख लो चल ही रहा। हेलो गाइस, पहुंच चुके हैं अपने मंदिर में। दूल्हे राजा कहाँ निकल गए भाई? बहुत सारी जोड़े लगे हुए हैं यहाँ पर, उधर जाना है दूल्हे राजा, मेरा साथ छोड़ दिया इन्होंने, गलत करा भाई। चलो तो भाई अब यहाँ पर देखते हैं कैसा क्या माहौल है। गाइस ये देख सकते हो इधर कितने चारों दूल्हे हैं भाई, और अपना भाई अलग ही लेवल है भाई, ऐसा माहौल है अभी कुछ अलग लेवल है। और ये हमारे दूल्हे भाई सब, अभी हम
खड़े हुए भाई, अनमोल भी आ चुका है। इसको मैंने बुला लिया था कि एक दिन तो शामिल हो जाए, तो शामिल शादी में, क्योंकि इसकी टेंथ है तो इस कारण ये शामिल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा एक दिन तो हो जा भाई, तो एक दिन के लिए हो गया है। और अंकल ने मेरे जैसा कुर्ता पहन लिया है। क्या क्या अभी फेरा चौरी पढ़ने वाले और बरमाला हो चुकी है कि नहीं हो गई? हो गई बरमाला, हो गई भाई, थोड़े हम मिसिंग कर गए। और मंत्र पढ़े जा रहे हैं उधर, देखो। हाँ मंत्र पढ़े जा रहा है, कैसा लग रहा है? तो कैसी लगी शादी? तो गाइस क्या है कि ये अपना छोटा वाला, क्या है छोटा वाला भाई, भाई तो अभी दिखाते हैं हम तो। मैं फेरा चौरी का काम चालू हो चुका है और अपन तो अपनी गाड़ी पे ओल्ड टू ओल्ड खड़े। ये देखो भाई मंदिर में हो चुका है फेरा चौरी का काम चालू, अपना भाई भी जा चुका है बीच में जो खड़ा है सुनील शेट्टी। और इधर से चलो तो उधर होंगे फेरा चौरी का काम चालू। ले भाई ये सिस्टम भाई, रोटी खाने के बाद हमने आके देखा तो क्या सुनील भाई तुम्हारा इधर दिखाना, ये अलग लुक हो गया भाई, अलग ही जम रहा है लौंडा। अब हम क्या इसके बाद इसको बिठाएंगे अब डायरेक्ट कहाँ, जहाँ पर ऐसे बिठाना चाहिए फेरे लेने के लिए। अब ये मांग में सिंदूर भरेगा, इसके बाद हो जाएगा ब्याह सक्सेसफुल। चलो ठीक है देखते क्या होता है आगे आगे। तो गाइस भाई बहुत बुरी हालत हो चुकी है, इधर थक चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। तो मैं क्या गाड़ी में आ गया हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और उधर चल रहे हैं फेरे चौरी, फेरे क्या बोलते हैं उसे पता नहीं है मुझे, बाकी उधर चल रहे हैं फेरे जो भी रसम है भाई, इतना जानकारी नहीं है। बाकी मैं तो आ चुका हूँ भाई गाड़ी में, क्योंकि मेरे को हो रही बहुत थकावट, नींद जैसी आ रही है, क्या बताऊँ तुम्हें। तीन दिन से लगातार काम, जो भी मतलब समझ लो तुम, काम दूल्हे के साथ रहना, इधर उधर जाना, गाड़ी चलाना वगैरह वगैरह। तो अभी उधर चल रही है फेरा और ये सब कुछ उधर मंदिर में, अभी मैं बताऊंगा सही से। बाकी मैं तो आ गया हूँ थोड़ा आराम करने, मैंने कहा मोबाइल भी चार्ज कर लेता हूँ, गाड़ी में थोड़ा सा मोबाइल भी डिस हो रहा था। तो भाई फेरे भी पढ़ने लग गए, ये देखो भाई फेरे भी पढ़ने शुरू हो गए यार भाई के। मैं तो गाड़ी में आके बैठा ही था इतने में, बताओ अब तुम गाइस ये देख सकते हो। मैंने कहा गाड़ी में से बाहर आके ही बनाना पड़ेगी, क्योंकि फेरे तो ऐसे दिखेंगे नहीं। अब दिख रहा है करीब से, अरे कितने हो गए ये देखो भाई, पता नहीं कौन सा फेरा है, मुझे पता नहीं है, जानकारी नहीं है, मैं अंदर था ना भैया। जूता चुराए का एक मिल रहा है, कितना दे रही है तुमने, कितना मांगा, कितना मांगा? अरे यार ये तो कोई बात जमी नहीं है। अरे बबली दीदी बताए कितने देना है? ये तो कोई बात जमी नहीं है। ले भैया सुनील भाई पाँच को दे दे, पाँच को दे दे, जूते रेंदे तुम तो ले दे दे जल्दी फटाफट दे दे, पाँच सौ को हेड़ दे, एक सौ को, सौ को हेड़ दे, पाँच सौ दे जल्दी हटा ले, चले जूता बेच दो। अपन नई गाड़ी लेने जाए ओमे भी तोड़ कर दे में, पाँच सौ में हो गई टूटक। सो गाइस हाँ बताओ मुझे कौन आ रहा है? गाइस ये विदाई के टाइम पे देखो इसे हंसी आ रही है, लोगों रोते ही हंसता है, ये बताओ वाह यार। चलो रोटी नाप के बनेगी, छोटी नाप के बनेगी, ज्यादा बेस्ट नहीं हो, देखो ना कम बेस्ट करे दे रही है, यही खिलाना है फिर। तो
गाइस फिलहाल मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाया था, इसके लिए पहले तो मैं माफी चाहता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाया था, तो अभी मैं ब्लॉग एंड करना चाहता हूँ। और आई होप शादी में मैंने खूब इंजॉय किया, आपको भी बताया, आपको भी मस्त मजा आए होंगे। हमारे यहाँ की शादी कैसी क्या होती है, ऐसे रीति रिवाज होते हैं अपने, वैसे मैं हूँ राठौर समाज का, तो देख लेना जो भी राठौर है वगैरह की कैसी रीति होती है और क्या कमी रही बता देना। तो अभी ब्लॉग एंड करने वाला हूँ मैं, तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ पंकज भाई के पास, वहीं पर अपने ही ठिकाने पे हमेशा की तरह। अब हो गई खूब मस्ती 3 दिनों तक, अब वापस अपना कॉलेज, वापस अपनी पढ़ाई। तो गाइज मैं यहीं पर ब्लॉग एंड करता हूँ, तो आई होप सबको मजा आए होंगे जो भी मेरे चैनल पे। ओह वाह, हाईवे चल रहा है ना तो आवाज़ बहुत आ रही। जो भी मेरे चैनल पे नए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। और ओह हो भाई क्या यार। तो गाइस जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और मेरी इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे वहां से जाके फॉलो कर लें। तो बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।